सो वो होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के लोग किस तरह होते हैं? नंबर वन जी, वो क्रिटिकल थिंकर होते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को। जैसे मैंने वो उस दोस्त की मिसाल दी, उसने क्रिटिकली पहले उस चीज को एनालाइज किया कि मुझसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि ग्लास के कितने टुकड़े हो गए, ठीक है। उसको क्रिटिकल थिंक करें, फिर आप ऐसा इंसान डिसाइसिव भी होता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो डिसीजन मेकिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं। फिर विलिंग टू आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्लोरेटिव, वो क्वेश्चन पूछने से शर्माते नहीं है ऐसे लोग। अभी एट द एंड जब आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि कौन कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज रखता है। अच्छा, मैं एक और चीज बताता चलूं आगे चलने के साथ, कि जब हमारा ये सेशन एक्सपायर होगा बिल्कुल पहले की तरह हम दोबारा रीजॉइन कर लेंगे, और शायद 4 से 5 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। जस्ट एक मिनट जरा होल्ड ऑन कीजिएगा, जस्ट एक मिनट। जी, सो यू नीड टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर टू, किस तरह डिस्कस अ प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिवली। आप प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिवली देखें, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखें, फिर एग्जामिन के आप उसके उसकी टीम के ऊपर। जस्ट अ मिनट, इसको मैं पीछे कर लूं स्क्रीन पे। फिर डिस्कस प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिवली, एग्जामिन हाउ प्रॉब्लम अफेक्ट्स द टीम एंड इट्स प्रोडक्टिविटी। आपकी जो की टीम और प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम किस तरह से अफेक्ट कर रही है, फिर उसके आपने सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, और फिर मेक प्लान टू इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन। सो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। आपको मैं शॉर्टली ही एक्सप्लेन करूंगा, या पिक्चर देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। प्रोडक्टिविटी और आपकी जो प्रोग्रेस है ये हमेशा इकट्ठी रहती है, ठीक है। एज एन एम्प्लॉई जब आप किसी जॉब मार्केट में काम करेंगे, सो यू शुड डिवेलप स्किल्स दैट आर साइन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि जो प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करें। स्ट्रेटेजाइजिंग की एबिलिटी आपके अंदर, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की एबिलिटी होना जरूरी है आपके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होना जरूरी है आपके अंदर, प्लानिंग की एबिलिटी जरूरी है, और रिजल्ट्स को डिलीवर करना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहेंस योर सॉफ्ट स्किल्स। अब यू नीड प्रोडक्टिविटी स्किल्स फॉर, अब किस किस लिए? जैसे वो कहता है मैनेजिंग अ डेडलाइन एंड स्टेइंग फोकस्ड, नंबर वन आप डेडलाइंस को मैनेज करना सीखें। नंबर टू क्या सीखें? डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट प्लान दैट इंक्लूड्स ऑल डिटेल्स सच एज गोल्स, रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। किसी भी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए आपकी नजर में आपके गोल होने चाहिए। लेट्स सपोज आप स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए मेरे गोल क्या क्या हैं जिंदगी में, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, यानी कितनी मुझे मेहनत की जरूरत है, कितनी स्टडीज करने की जरूरत है, और अवेलेबल रिसोर्सेज मेरे पास क्या क्या हैं। जैसे आपके पास सबसे बड़ा रिसोर्स है आपका इंस्टीट्यूट जो आपको एजुकेट कर रहा है। देन बैलेंसिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एज एट अ टाइम एंड शिफ्टिंग प्रायोरिटीज। आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए भाई, कि मेरी टॉप प्रायोरिटी क्या है। अगर मुझे एक ही टाइम पे दो काम करने पड़ते हैं तो मेरी प्रायोरिटी क्या है। सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर। फिर आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स कॉजिंग डिले एंड आंसरिंग हाउ टू एड्रेस देम। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी एनहेंस नहीं कर पा रहे तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उनको किस तरह से आपने एड्रेस करना है। फिर ये एक लास्ट स्किल के तौर पर मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, डिजिटल प्रोफिशिएंसी। स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर, हो रहा है। ओके ओके, गुड हो गया, गुड हो गया, जबरदस्त। डिजिटल प्रोफिशिएंसी, देखें जी हम लोग रह रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, यहाँ पे अगर आप डिजिटली प्रोफिशिएंट नहीं है सो देन यू आर नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। तो डिजिटल प्रोफिशिएंसी आपको आप होना जरूरी है। जब आप मार्केट में जाएंगे ना जॉब में, तो वहां पे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो डिजिटली यू हैव टू बी वेरी प्रोफिशिएंट, ठीक है जी।
सो नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल प्रोफिशिएंसी किस तरह से आप हेल्प आउट करती है. पहला मेकिंग द मोस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर. जैसे अगर आपको मैं सिंपलेस्ट प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की मिसाल दूं जिस पे आप सबने काम किया होगा वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. दिस इज द ओल्डेस्ट आप कह लें या ट्रेडिशनल एक सॉफ्टवेयर है. इसी तरह मॉडर्न सॉफ्टवेयर है एमओएस है एसपीएसएस है और डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जिन पे आपको जॉब लाइफ में काम करना पड़ेगा. देन बीइंग कंफर्टेबल इन यूजिंग बोथ डेस्कटॉप एंड क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस गोल्स. आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा. जैसे अभी हम ये जो जूम पे बात कर रहे हैं ये क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है. देन यूजिंग इंटरनेट टू रीच एंड कम्युनिकेट. आपको इंटरनेट का बड़ा अच्छा इस्तेमाल आना चाहिए. देन चूजिंग द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर स्पेसिफिक पर्पस. जिस पर्पस के लिए आप अपना गोल अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है उसको यूज करना. जैसे हमारी इस मीटिंग के लिए जूम एक अच्छी ऑप्शन थी सो वी वेंट फॉर जूम. फिर क्रिएटिविटी है. क्रिएटिविटी क्या है कि आप कितना डिफरेंट सोचते हैं आम लोगों से. मीडियोक्रिटी से आप कितना ज्यादा डिफरेंट सोचते हैं. सो ये क्रिएटिविटी की एक जो एलिमेंट है ये भी आपकी सॉफ्ट स्किल को बड़ी तेजी से ऊपर लेके जाता है. सो यू हैव टू लर्न हाउ टू थिंक क्रिएटिवली हाउ टू गिव सॉल्यूशंस टू द नोवल प्रॉब्लम्स. देन क्रिएटिविटी कैन हेल्प इन ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज एंड सोल्यूशन. आप अगर क्रिएटिव हैं तो आप ब्रेन स्टॉर्म करते हैं और मुख्तलिफ सोल्यूशन को आप पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं. आस्किंग क्वेश्चन टू जनरेट ओरिजिनल आइडियाज. आप एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं और आइडियाज को जनरेट करते हैं. देन कीपिंग एन ओपन माइंड टू इवेल्यूएट टफ सिचुएशन. टफ सिचुएशन के अंदर आप रेदर देन गिविंग अप की बजाय आप उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम. मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर का टाइम मिले. अभी देखिए जी कॉन्फिडेंस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं जिसमें एक बच्चा मसल्स दिखा रहा है अपने. सो ये उसका कॉन्फिडेंस है. ये उसकी रिफ्लेक्शन है. कॉन्फिडेंस क्या है कि बिलीव इन योर एबिलिटी. A strong belief in your ability कि आप ये काम कर सकते हैं. ठीक है जी. फिर कॉन्फिडेंस हेल्प करता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने में. फिर मेंटेनिंग असर्टिवनेस वाइल बीइंग पोलाइट इन अ कन्वर्सेशन. आप कन्वर्सेशन में पोलाइट भी होते हैं लेकिन असर्टिव होते हैं. असर्टिव मीन कॉन्फिडेंट. फिर सर्विंग सक्सेसफुली इन अ लीडरशिप रोल. जब आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लीडरशिप रोल दिए जाते हैं तो उनमें आप बड़ा अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं और आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं. लोगों की ओपिनियन को सुन सकते हैं विदाउट अफेंडिंग देम. उनको डराने की बजाय उनसे एक फ्रेंडलीनेस एक कम्युनिकेशन को डिवेलप कर सकते हैं. सेल्फ अवेयरनेस. आपको एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें एक लड़की मिरर के अंदर देख रही है. सेल्फ अवेयरनेस से मुराद ये है कि आप जिसको वो कासम अली शाह पंजाबी में कहता है ना कि अपने अंदर चाती मार अपने अंदर देखना. रेट्रोस्पेक्शन ऑफ योर ओन वो सेल्फ अवेयरनेस है. जितना कोई बंदा जैसे है कि जितना कोई बंदा अपने आप को जान लेता है उतना वो खुदा को जान लेता है. सो आपको अपना पता होना चाहिए कि मेरे अंदर यार एबिलिटीज क्या है. व्हाट डू आई हैव इन माई ओन. मेरी एबिलिटीज क्या है उनका आपको पता होना बहुत जरूरी है सॉफ्ट स्किल्स को एनहेंस करने के लिए और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए. और ये हेल्प करता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन. ये चीजें मैंने अभी आपको पीछे बता दी. ये सारे वही पॉइंट्स हैं कि आप किस तरह से अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस अपने अंदर इंक्रीज करें और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों. अब सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों है. एक तो ये है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड प्लेस है आज की जो जदीद दुनिया है वो बड़ी इंटरपर्सनल है. मींस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है एक दूसरे को सुनना पड़ता है कोलैबोरेट करना पड़ता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. विदाउट सॉफ्ट स्किल्स आप ये नहीं कर सकते. फिर सॉफ्ट स्किल्स सेट यू अपार्ट. इसका क्या मतलब है कि अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स हैं तो ये आपको आम लोगों से परे ले जाती हैं ऊपर ले जाती हैं आगे ले जाती हैं अहेड ले जाती हैं. इट टेक्स यू अपार्ट. ठीक है जी. उसके बाद दे कम्प्लीमेंट योर हार्ड स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स इतनी मतलब वो है इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो हार्ड स्किल्स भी हैं. हार्ड स्किल्स से मुराद जैसे मैंने ड्राइविंग की मिसाल दी
तो आपकी हार्ड स्किल्स को कम्प्लीमेंट करती हैं, उसको हेल्प आउट करती हैं। आपके पास एक अच्छी मास्टर्स की डिग्री है, दिस इज योर हार्ड स्किल, आपने मेहनत की डिग्री ले ली। अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स भी हैं तो आपकी उस डिग्री को बड़ा कम्प्लीमेंट करेगी और आपको सक्सेस की तरफ बड़ी तेजी के साथ लेती जाएगी। और फिर फ्यूचर वर्क प्लेस विल डिपेंड मोर ऑन दी स्किल्स। वक्त गुजरने के साथ साथ, जैसे मैंने आपको मैकडोनल्ड की मिसाल दी पीछे, मैंने आपको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक रिसर्च बताई कि कितने लोग 5 मिलियन लोग जॉब से चले गए क्योंकि उनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स ही नहीं थी। ठीक है, सो जो फ्यूचर का वर्क प्लेस है उसमें सॉफ्ट स्किल की अहमियत बहुत ज्यादा होने जा रही है। और आप देखेंगे इस तरह के सेशन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, आप ऑनलाइन भी देखिएगा और आपकी यूनिवर्सिटीज भी ये सेशन करवाएगी, बिकॉज आपका इदारा ये जानता है कि सॉफ्ट स्किल्स आर गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल फॉर योर फ्यूचर प्रोफेशनल लाइफ। हाउ टू इम्प्रूव, शॉर्टली आखिर पे बताऊंगा कि इस तरह इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। एम टू बी हर्ड, आप पहले आप सुनना सीखें। सबसे पहले अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज करना है, जो कि इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स है, तो सुनना सीखें। दूसरों को जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर ये स्किल डिवेलप होना शुरू हो जाएगी, नंबर वन। फिर मेक आई कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपका आई कॉन्टेक्ट उसके साथ मैच होना चाहिए, या आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो क्लाइंट और कस्टमर्स के साथ आपका आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए जब आप उसकी बात सुन रहे हो। देन मोनिटर योर बॉडी लैंग्वेज, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज भी देखना चाहिए कि आपकी मूवमेंट कहीं बहुत ज्यादा कम तो नहीं कि देखने वाला बंदे को फील हो रहा हो कि यार ये तो मुझे इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा, या बहुत ज्यादा बॉडी लैंग्वेज तो नहीं, सो यू हैव टू मोनिटर इट। देन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ योर कोलीग्स, आप उसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अपनी लिसनिंग स्किल के ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा कि सुनना सीखें, दूसरों को सुनना सीखें, उनको टाइम दें, तो ये लिसनिंग स्किल आपकी बहुत ज्यादा एनहांस होगी। अपने रिटन कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करें जितना ज्यादा हो सकता है, आप अपनी राइटिंग के ऊपर वर्कआउट करें, आपको ईमेल लिखनी आनी चाहिए, आपको मोस्टली आइडियाज को राइट डाउन करना आना चाहिए। ठीक है जी, अब लास्ट है, 1 से 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं जी। कुछ बुक्स हैं, स्टूडेंट्स आप सब इधर ही हैं? ये 3 किताबें मैंने, ये वो किताबें हैं जो मैंने पढ़ रखी हैं जी, मैं खुद भी पढ़ रखी है, मैंने इसलिए इन तीनों को इस, अभी मैंने, मैं एक और किताब पढ़ रहा हूँ उसको मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये 3 किताबें हैं। अगर आप इनमें से 1 किताब भी पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा एनहेंस होंगी, आपको खुद पता चलेगा। जिस दिन आप ये किताब पढ़ना शुरू करें उस दिन एक डेट लिख लीजिए, और जिस दिन फिनिश करें उस दिन की डेट, आप अपने अंदर फर्क महसूस करेंगे खुद ब खुद, या आपके पेरेंट्स, आपके कोलीग्स, आपके दोस्त, वो भी आपको बताएंगे कि यार आप तो बड़ी इंप्रूव कर गई हो। तो आप उस डेट से उस डेट के दरमियान खुद ब खुद अपने आप को जज कर सकती हैं। पहली बुक कौन सी है जी? पैडी क्लॉस ने बुक लिखी है द हार्ड ट्रूथ अबाउट सॉफ्ट स्किल्स। बड़ी सिंपल वे में इसने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि किस तरह आप अपनी सॉफ्ट स्किल को डिवेलप करेंगे, नंबर वन बुक जी। नंबर टू बुक का नाम है ब्रिजिंग द सॉफ्ट स्किल्स गैप, सॉफ्ट स्किल का जो गैप है उसको ब्रिज करना, कि हाउ यू लर्न एंड हाउ यू इम्प्रूव टू इम्प्रूव इन योर सॉफ्ट स्किल्स डिवेलपमेंट। तो ये भी बड़ी अच्छी बुक है, बुक नंबर टू। आप इसको ऑनलाइन गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप डाउनलोड करके लाजमी पढ़िए। तीसरी और आखिरी बुक है सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग बाय फ्रेडरिक एच वेंट्स, ये भी एक अच्छी बुक है। थोड़ी सी ये इसकी लैंग्वेज टफ है, क्योंकि मेरा तो काम ही इसमें बुक्स के साथ है पीएचडी में, तो मेरे लिए तो इतनी मुश्किल नहीं लगी, लेकिन आपको शायद थोड़ी सी मुश्किल लगे, बट आपकी वोकैबुलरी बड़ी एनहेंस होगी इस थर्ड नंबर बुक से। सो मैं ये रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा स्टूडेंट्स कि आप इनमें से एटलीस्ट 1 बुक जरूर पढ़िए, और तब आप मुझे बताएंगे कि सर वाकई आपने जो सजेस्ट किया था उसने हमारी जिंदगी में बड़ी इंप्रूवमेंट्स लाई हैं। सो मैं इसको अभी यहाँ पे रोकूंगा स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत शुक्रिया, यू स्टूड बाय मी। और अभी मैं ये चाहूंगा कि अगर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं सो उनको हम जरूर इधर डिस्कस कर लीजिए। सो ओवर टू यू जी, आपको क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप एमी केबली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सर्विसेज. बेसिकली यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डोंट ट्राई टू अनम्यूट योर माइक, राइट ऑन द चैट बॉक्स वहाँ पे लिखे और अपना मैसेज. यू हैव गिवन 2 मिनट्स ओनली, आप को रिपीट उसको लिख दें जो जो क्वेश्चन है, तो हम सब क्वेश्चन लेके एक ही आंसर में वो सारी चीजें जो है ना वो कवर कर रहे हैं. ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अभी जो है ना वो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दें. व्हाट डू यू वांट टू आस्क एक्चुअली. ओके स्टूडेंट, साथ साथ सर बोलते रहेंगे, सर बोलते रहेंगे. एक दो क्वेश्चन आ गए हुए हैं, आप अपने क्वेश्चन लिख के सेंड करते हैं. आपका कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको एड्रेस करता हूँ, साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स भी अपने क्वेश्चन राइट डाउन कर सकते हैं. और एक क्वेश्चन मैंने आपसे भी पूछा है उसका भी अगर आप आंसर राइट डाउन कर दीजिए. हाँ जी, जो क्वेश्चंस हैं लेट मी एड्रेस देम. बुक्स स्टूडेंट्स इंग्लिश में ही होंगी और ये अच्छी बात है, यू शुड रीड देम इन इंग्लिश. ठीक है, पहली बात ये बुक्स इंग्लिश में ही हमारी होंगी. और अच्छा, बुक्स के नेम आपको मैं बल्कि स्लाइड्स ही आपके सामने कर देता हूँ ताकि आपको बुक्स के नेम मिल जाएं. अगर आप ओके जबरदस्त, ये एक स्टूडेंट ने लिखा है, इनका नेम है जी नगीन फातिमा. जी वेरी गुड जी, यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, दैट्स रियली नाइस. अगर आप अच्छी प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो इंशाल्लाह ये मेरी तरफ से आपको है कि आप सक्सेसफुल होंगे अपने कैरियर में. अच्छा, आगे एक क्वेश्चन आया है कि हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी. इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हाउ टू नो कि मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं. मैंने एक फिक्रा यूज किया था कि अपने अंदर झांकना, रेट्रोस्पेक्शन. ठीक है, सो आप इसको, ये एक डिस्कवरी का प्रोसेस होता है जी, ये एक ही दिन में नहीं कहा जा सकता. जैसे अगर मैं आपको अपना बताऊं ना, तो मैंने जब इंटरनेशनल टूर्स पे जाना शुरू किया तो आई वॉज नॉट अवेयर कि इतनी ज्यादा मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी. सो ये एक डिस्कवरी का प्रोसेस होता है. आप जितना ज्यादा अभी इस लेक्चर को आपने सुना, आपको जो जो मैंने एडवाइजेस की उनके मुताबिक आप अपनी जिंदगी में कुछ चेंजेस लेके आए. सबसे पहला काम आप ये करें, आपने कहा जी मुझे कैसे पता चलेगा, आप बुक रीडिंग जरा शुरू करें. आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि यार मेरी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी एनहेंस हो रही है. सो जितना आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, वक्त के साथ साथ आपको खुद अपने अंदर से आंसर्स मिलेंगे कि यार आई एम गुड इन दिस या आई एम बैड इन इट. जैसे किसी को कैसे पता चलता है कि मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता या मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब वो उसमें से गुजरता है. क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक और आया. अच्छा, इस क्वेश्चन का मैं आंसर रिमेनिंग कर दूं, आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू करें. बिल्कुल जैसे एक स्टूडेंट कहता है जी मुझे मैथ बड़ा बुरा लगता है. जी क्यों बुरा लगता है? क्योंकि उसमें से गुजरा होता है, उसको नहीं समझ आती. कुछ कहते हैं जी हमें इंग्लिश अच्छी नहीं लगती, क्यों? क्योंकि वो उसमें से, आपको गुजरना पड़ेगा सबसे पहले. जब तक आप दरिया में से या किसी उसमें से तालाब में से गुजरेंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको स्विमिंग आती है. सो आपकी स्किल्स भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, आपको अपने आप को उसमें से गुजारना पड़ता है. और क्वेश्चन था कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज किया जाए. देखिए जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने की सबसे पहली एबिलिटी है पब्लिक स्पीकिंग. और पब्लिक स्पीकिंग को एनहेंस करने के लिए आप जाएं, शीशे के सामने खड़े हो जाएं,
आप 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा मेरा कॉन्फिडेंस कितना एनहेंस हुआ है। 10 मिनट बोले, रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद दोबारा 10 मिनट बोले और रिकॉर्ड करें। आप दूसरी रिकॉर्डिंग आपको ऐसे लगेगी कि ये मैं है ही नहीं। सिर्फ छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करिए, शीशे के सामने जाइए या अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा निकालें और रिकॉर्डिंग शुरू करें और 2 दफा करें और फिर मुझे बताएं। इट्स गुड जी, ये इन्होंने हाँ जी, ये एक ताशी लिखा हुआ है नाम किसी बच्ची का, तो अच्छी बात है जी, यू आर गुड इन गुड। शाइनेस को कैसे दूर करते हैं, ये भी वही उसी से मिलता जुलता सवाल है कि आप कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव करें, अपनी अपनी शाइनेस को कैसे दूर करें। देखिए जी, शाइनेस को दूर करने का भी मेरे पास तो वही एक रेडीमेड फार्मूला है। निकालें अपना मोबाइल, फ्रंट कैमरा ऑन करें और रिकॉर्ड करें 10 मिनट एक गुफ्त किसी भी टॉपिक पे, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर 10 मिनट बोलें, उसके बाद अपनी उस वीडियो को देखें और दोबारा रिकॉर्ड करें। आप कहेंगे वाकई कि मेरे अंदर इतनी इंप्रूवमेंट्स आई है। आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे आपकी शाइनेस भी खत्म हो जाएगी। एक डर होता है शाइनेस, एक शाइनेस बेसिकली कुछ भी नहीं है, दिस इज अ फियर, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में है। जब तक आप उसको अपने ऊपर खुद हावी नहीं करेंगे आप नहीं होंगे, ठीक है। तो शाइनेस को दूर करने के लिए भी आप मिरर प्रैक्टिसिंग करें, मिरर प्रैक्टिसिंग इज द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर दैट। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सर्विसेज एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। और होपफुली स्टूडेंट्स ने भी इसको बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। स्टूडेंट्स प्लीज जस्ट गिव योर फीडबैक इन राइटिंग कि आपको सेशन कैसा लगा, और प्लीज जो है ना वो मैसेज अभी कर दें मीटिंग एंड होने से पहले। तब तक जो है ना वो आप अपने क्वेश्चन भी और फीडबैक भी मुझे चैट बॉक्स में सेंड कर दें कि आपने मीटिंग में क्या सीखा और मीटिंग आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह इसका के सेशन जो है ना वो हम सर को इनवाइट करते रहेंगे। श्योर जी, थैंक यू। और हम मजीद देयर आर मेनी टॉपिक्स रेडी टू योर फील्ड जिसमें हम मजीद जो है ना वो डिस्कशन जनरेट करते रहा करेंगे, ठीक हो गया। तो ओवर टू यू सर अगेन, बस एक बात करनी थी, अगर आपने कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने हैं तो प्लीज अप टू यू जी। कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है आपके, आपको एक टिप दे के ही जाऊंगा। जो ज्यादातर क्वेश्चंस थे शाइनेस से रिलेटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, या हाउ टू इम्प्रूव या हाउ टू ओवरकम योर फियर, मैं फिर बताऊं जी, ये जो शाइनेस है या पब्लिक स्पीकिंग का डर है, ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपके माइंड में है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये आपको पता है कि भाई मैं शाय हूं। अनटिल अनलेस आप किसी के सामने शाइनेस शो नहीं करते, किसी को नहीं पता चलता। तो आप सबसे पहले तो अपने अंदर इस चीज को लेके आए कि आई हैव टू ओवरकम इट, पहले अपने अंदर ये चीज इंक्लूड करें। दूसरा, उसके लिए मिरर प्रैक्टिसिंग की जो मैंने टिप दी है, ये इतनी इफेक्टिव है कि आप इसको 2 से 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई दिस रियली वर्क फॉर अस, तो आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं जी। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टिल किसी ने कोई बात पूछनी हो तो आई विल बी देयर। ओके सर, थैंक यू सो मच, और स्टूडेंट्स ओके, आपके फीडबैक रिसीव हो गए हैं, और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा हमें आपका ही करना चाहिए। स्टूडेंट्स आपने इतने जो है ना वो तहम्मुल के साथ और एक्साइटमेंट के साथ लेक्चर अटेंड किया, और मैं भी इसको एंजॉय कर रहा था बड़ा। मैंने भी इसमें बड़ी नई चीजें सीखी और होपफुली आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो टेक केयर योरसेल्फ, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट सेशन, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के हवाले, थैंक यू।